हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी हो गई है सुबह की शुरुआत। सुबह सुबह मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि सुबह से हो रहा है सर में बहुत 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 ज़्यादा दर्द। तो मैंने लगवाया है ज़ाहिरा से थोड़ा सा तेल लगवाया है सर में, थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है बट प्रॉपर नहीं हो रहा। क्योंकि पहली चीज़ तो ये है, डाइटिंग कर रही हूँ उस वजह से हो रहा है। क्योंकि एकदम से आप जब पहले इतना खा रहे होते हो फिर एकदम से जब आप बिल्कुल ही कट ऑफ कर देते हो तो फिर होती है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स। तो बस मैंने और सीरत ने नहा लिया है, मम्मी गए हैं पार्ट पे क्योंकि मैंने आपको कल बताया था मम्मी आजकल पार्ट पे जा रहे हैं। तो 3 या 4 दिन के पार्ट हैं रेगुलर। तो वहाँ मम्मी गए हैं, मैंने और सीरत ने नहा लिया है, जो कपड़े सुखाने थे सुखा दिए हैं, जो गीले टॉवल एंड ऑल। उधर ढोल बज रहा है, पता नहीं किस खुशी में बज रहा है पर बज रहा है। क्यों बज रहा है? ढोल। चलो नीचे उतरो, गर्म है गर्म है गर्म है गर्म है, हॉट है हॉट है। मुझे दिखाओ। तो एक तो रीजन डाइटिंग है और दूसरा रीजन है नींद। मैं सुबह 5 बजे सोई हूँ और 5 बजे सोने के बाद मैं 8 साढ़े 8 शायद मम्मी ने उठा दिया था। मैं 3 या 3.5 घंटे सोई हूँ क्योंकि उनकी का लंच वगैरह बनाना था, इस वजह से मैं उठ गई थी। बाकी दे रही हूँ, दिखाओ दिखाओ हर चीज दिखाओ। मैगी नहीं बनाई, मैगी नहीं है, बैम्बिनो दिखाती हूँ। तो बेसिकली इसको गोदी ले लूँ फिर आपसे बात करते हैं। तो बस अब मैंने सब चले गए घर से, मम्मी भी चले गए, अंकित भी चले गए। लंच में अंकित के लिए बनाया था मैंने दाल रोटी, दाल तड़का, रोटी, जीरा, आलू और क्या बोलते हैं राइस, इतना सब कुछ अंकित को दिया था। मम्मी को भी सेम ही चीज़ से ब्रेकफास्ट करा दिया था, सीरत ने भी कर लिया, बस मैंने नहीं किया क्योंकि इंटरमीडियंट फास्टिंग कर रही हूँ तो 12 घंटे 16 घंटे कंप्लीट करने होते हैं। तो मैं खाना खा रही हूँ, काम सारा फिनिश कर दिया है, मेड झाड़ू पोछा कर दिया है, मैंने कपड़े वगैरह सब सेटल कर दिए हैं जो करने थे, ये बर्तन धुल गए हैं, किचन साफ हो गई है। और ये शरारती बीमार शरारत कर रहा है तो बस अब मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, टीवी देखूंगी 5-10 मिनट और उसके बाद मैं सो जाऊंगी क्योंकि फिर से नाइट शिफ्ट है। मम्मी आएंगी 2 बजे तब उठ जाऊंगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने बनाया क्या था क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया, मैं सिर्फ उतना ही बना रही हूँ आजकल क्योंकि मैं खा नहीं रही और सब्जियों के रेट आपको पता ही है आसमान छू रहे हैं। तो बस मैं उतना ही बनाती हूँ जितना यूज हो। मम्मी भी खा गए, अंकित भी ले गए, तीरथ ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया, तो थोड़ा थोड़ा सा बचा है, किसी ने रिपीट करना होगा तो दोपहर में खा लेगा, वैसे कोई भी नहीं है खाने वाला तो ज़्यादा बचना नहीं चाहिए। तो ये मैंने अपनी लिए बनाई है बैम्बिनो, ये थोड़ी सी बैम्बिनो है जिसमें से मैं भी खाऊंगी और सीरत भी खाएगी क्योंकि मुझे पोषण बहुत कम कम खाना है, एक एक कटोरी खाना है। तो ये है, बाकी मैंने ये दाल बनाई थी, दाल तड़का अंकित ले गए हैं, बस इतनी सी बची है, सीरत ने दोपहर में खानी हुई तो खा लेगी अदरवाइज रह बच जाएगी। और ये मैंने बनाए थे जीरा आलू, तो ये भी अंकित ले गए हैं, बस ये इतने से ही बचे हैं। और ये वो वाले आलू आपको बताओ जो बेबी पोटैटोस बोलते हैं ना, स्मॉल स्मॉल वाले, वो है जिनको बिना छिलका उतारे बनाते हैं, बड़े स्वाद लगते हैं। मैंने तो खाया नहीं बट एक बाइट लिया था ताकि नमक चेक कर लूँ। तो बस ये देखो, ये क्या तरीका है यार बुग्गू, ये कैसे कैसे शरारते हैं बेटा। ये देखो, ये ऐसी तो इसकी शरारतें हैं, मैं इसके साथ क्या करूं, मैं इसके साथ क्या करूं। नो नो, सारे देख रहे हैं, सब बोल रहे हैं सीरत कितनी बैड गर्ल है, सब देख के बोल रहे हैं सीरत इज अ बैड गर्ल। क्या देखो, बंगाली है क्या? दोखो खाओ दिखाओ। हाँ जी, क्या कर रहे हो, क्या निकला ये कौन सा मैजिक था, आपने कहाँ से सीखा इतना अच्छा मैजिक बुग्गू? और मैजिक करके दिखाती हूँ, दिखाओ दिखाओ भाई, मैजिक देख लें आज। छू, वाह, कैसे कर लेते हो? मैं करूँ? ओके। तो बस इसका तो ये चलता रहेगा, मुझे लगी है बहुत ज्यादा भूख क्योंकि 12 बजने वाले हैं। तो मैं बस फटाफट खा लेती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ, बाय। तो दीमक घर से गई नहीं थी कल, आपको बताया था कि दीमक गई नहीं है घर से, तो इसीलिए हमारी अभी भी बची हुई थी इंस्टॉलमेंट्स, तो भैया को बुला लिया है, आ गए अभी कर रहे हैं, आपको दिखाती हूँ।
छिपकली की कोई दवाई नहीं आती है, वैसे से कुछ दिन के लिए कंट्रोल होते हो। मकड़ी मकड़ी छिपकली हाँ बस हाँ मकड़ी और छिपकली दोनों चीज़ करें। तो गाइस पिछले आधे घंटे से हमारा टीवी नहीं चल रहा, बिंज का जो अमेजोन वाला जो हमने वो लिया हुआ बिंज का जो लिया हुआ है वो नहीं चल रहा। अंकित ने सब कुछ कर लिया कस्टमर केयर में कॉल, टीवी उतार के उसके तारों में ये वो एड सब कुछ नीचे की तारें, पर कहते हैं ना स्मार्ट बीवी का होना जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। मैं बस बेड से उठी, मैंने नीचे सॉकेट्स में देखा कि एक तार लूज थी, उस तार को मैंने घुसा के टाइट किया, टीवी चलाया और जो ये आधे घंटे से कलप रहे थे मैंने 5 सेकंड में उसको ठीक कर दिया। मेरे बिना इनकी ज़िंदगी कुछ नहीं है। तारीफ फिर भी नहीं करेंगे, मैं आपसे बात कराती हूँ। हाँ जी हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो मैं इससे मत्थामारी करना चाहूंगा जो ये नहीं नहीं आप ये कुछ मत कीजिए, आप बस ये बताइए कि मैं उठी और मैंने 1 सेकंड में चला दिया और आप पिछले आधे घंटे से जूझ रहे हैं, आप मेरे बारे में क्या कहना चाहेंगे? दिमागदार स्मार्ट, खराब भी आप नहीं कर रहा था, सही भी आप ही करोगे ना? मैंने खराब, अच्छा साइड हो एक बार ऑप्शन, तुम्हारी आदमियों की बीवी की तारीफ करने में इज्जत घटती है क्या? आदमियों की बीवी की, मैं दूसरों की बीवियों की तारीफ करूंगा जो उनकी? तो तुम बिना बोले कर दोगे ना? मैं करता ही नहीं, तूने तो ना कभी, तो मैंने 5 सेकंड में कराया, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा स्मार्ट टैलेंटेड दिमाग से बड़ी मुश्किल से निकल रहे होंगे, समझदार किस्म की लड़की हो। किस्म बकवास वर्ड्स बोल रहे हो। एनीवेज मैंने 5 मिनट में चला दिया टीवी, आपको तो पता ही है मैं कितनी स्मार्ट हूँ। तो बस अब इनको खाने के लिए खाना दे रही हूँ, पर वो आदतें गंदी लगी हुई हैं, अब घर का खाना नहीं खाना जी, सीख रोल लेके आना। बेटा खाना नहीं है पापा को तो क्या करूँ बताओ? अब मैं सीख रोल लेने नहीं जा रहा, मैं नहीं मंगा रही, मैंने जो बनाया उसे खाइए। आई लव यू माय प्रोटीन। तो अंकित की हो रही है पिटाई क्योंकि अंकित ने सीरत को डांट दिया, अब अंकित गए। मम्मा के सामने क्या बोलते हो? नहीं सुन रहे क्यों? डंडा दे के आती हूँ बस। मम्मा के सामने क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? मोती बोल रहे थे, मम्मा को मोती बोला था। हाँ हाँ जी बेटा, मोती बोल रहे थे मेरे को। पापा तू मोटी, तेरी मम्मी मोटी। पापा आज का मोटी थे, तो गाइज मेरी ज़िंदगी में तो चल रहा है 4 दिन से लगातार मैं रात को 7 बजे शाम के 7 बजे या 8 बजे घिया खा लेती हूँ, उसके बाद 2:30 बजे तक जॉब, तब तक सिर्फ एक गर्म पानी पीती हूँ और फिर सुबह खाऊंगी कल 12 बजे इंटरमिटेंट की वजह से। लेकिन अंकित की ज़िंदगी शहंशाहों वाली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख ये इससे पराठे का क्या किया, लच्छे पराठे का रखो। तो ये लच्छा पराठा है अंकित का, साथ में है ये एग करी और ये है जो सुबह मैंने दाल तड़का बनाया था वो। तो बस सब सो चुके हैं, ये इधर सो गई है, अंकित तैयारी कर रहे हैं सोने की। मम्मी अरे अंकित जा रहे हैं लड्डू खाने मम्मी के कमरे में, मम्मी पार्ट से आए थे ना तो मम्मी को लड्डू मिले थे, तो अंकित जा रहे हैं लड्डू खाने, मैं नहीं खा सकती। और तो बस मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना बिग बॉस और अपनी जॉब, और कल है 1 तारीख, कल हाथ में आएगा पैसा पैसा पैसा, तो कल है सैलरी डे, कल आ जाएगी सैलरी, तो बस ऐश करेंगे मजे करेंगे और आप भी मजे कीजिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा बताएं कि ये जो मेरा शक्ल है थोड़ा पतला हुआ है कि नहीं। बाय।